नमस्कार, स्वागत है आपका क्यू वाइव नेटवर्क पर। मैं हूं नीलू व्यास और हर शाम 7:30 बजे आपके लिए लेकर आती हूं एंगल 360, हमारा खास कार्यक्रम जहां पर बड़े मुद्दे को हम हर एंगल से डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। आज सुबह से आप देख रहे हैं टीवी चैनल्स, जितने भी टीवी चैनल्स हैं वो सिर्फ एक बात की चर्चा कर रहे हैं। मुद्दा यह है कि अरुणाचल के तवांग सेक्टर में आखिर क्यों झड़प हुई भारत और चीनी सेना के बीच में, क्या ये रोकी नहीं जा सकती थी? लेकिन डिस्कशन उस पर नहीं हो रहा है, डिस्कशन इस बात को लेकर हो रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह ने पूरा ठीकरा पंडित जवाहरलाल नेहरू के ऊपर फोड़ दिया है। उन्होंने ये कहा कि नेहरू जी ने जो गलतियां की हैं आज उन गलतियों को भुगत रहा है भारत। लेकिन अगर अमित शाह से ये पूछा जाए कि क्या उनके पास इस बात का जवाब है कि आखिर चीनी सेना को नरेंद्र मोदी की सरकार लाल आंखें क्यों नहीं दिखा पाती है, अगर हम सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान में कर सकते हैं तो फिर चाइना से निपटने के लिए हमारे पास कोई नीति क्यों नहीं है, क्या हमारी आर्मी, क्या हमारी मिलिट्री चाइना से टैकल करने में, चाइना से निपटने में कितनी प्रिपेयर्ड है? आज किसी भी टीवी चैनल पर इस बात को लेकर डिस्कशन नहीं हो रहा है। डिस्कशन ये हो रहा है कि देखिए, हम तो भारत और चीनी सेना के बीच में मुठभेड़ की बात कर रहे थे और गृह मंत्री अमित शाह ने चंदे की बात कर ली कि जो राजीव गांधी फाउंडेशन है उसको चीनी एम्बेसी ने कितना चंदा दिया था, यानी कि पूरा घुमा दिया गया है डिबेट। लेकिन आज क्यू वाइव नेटवर्क पर मैं इस डिबेट को कतई नहीं घुमाना चाहती हूं।